वेलकम टू चित्तौड़गढ़, जहां पर है भारत का सबसे बड़ा किला जो शक्ति, भक्ति और बलिदान के लिए जाना जाता है। यहां पर बहुत सारे महल हैं, मंदिर हैं और बहुत सारे खंडर भी हैं, और इन सभी में इतिहास के बहुत सारे किस्से छिपे हुए हैं। तो आ जाओ दोस्तों, इस वीडियो में महाराणा प्रताप की कहानी भी सुनेंगे और रानी पद्मिनी का महल भी देखेंगे, ऑथेंटिक राजस्थानी खाना भी खाएंगे और श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर में घर भी बनाएंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर किला है। अधिकतर ना ऐसे ही खंडर हो चुका है, जैसे अभी हम जो उस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है। ऐसे फोर्ट में कहीं पे भी घूमने चले जाओ, निकल जाओ, ये तो बहुत ही गहरा है यार। ये बनने वाले बिना मम्मी के नहीं बनेगा, इसका घर है। पम्मा घड़ी, वेलकम टू एपिसोड 58 ऑफ द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। और आज हम आ पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़, जहाँ पे सबसे बड़ा फोर्ट है। तो आइए इस एपिसोड में हम चित्तौड़गढ़ का फेमस किला घूमते हैं। सफर अनजाना रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हेलो दोस्तों, द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम महेश्वर से ड्राइव करके आ पहुंचे थे चित्तौड़गढ़, जहां इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, जिसे हम सुबह सुबह घूमने निकल पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़, खम्मा घड़ी। चित्तौड़गढ़ को घूमने का वैसे तो अच्छा टाइम होएगा, या तो सर्दियों में या बारिश में, लेकिन हमारी रोड ट्रिप में हम यहाँ पे आए हैं भरी धूप में। मई हो रखा है, मई का महीना, ऑलरेडी सूरज आ चुका है, आज काफ़ी गर्मी में पसीने हमारे छूटने वाले। तो शुरुआत करते, अभी हम आ चुके हैं जो यहाँ का पहला पॉइंट हमें घूमना है, ये चित्तौड़गढ़ सिटी व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप सिटी देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ का फोर्ट बहुत ही बड़ा है और हमें घुमा रहे हमारे गाइड किशन भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। ये जो फोर्ट विजिट करने के लिए आए ना, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। आज भी फोर्ट के अंदर में 5000 लोगों की बस्ती बसी हुई है। एक्चुअली इस पूरे फोर्ट के अंदर में 7 पैलेस, 3 हवेली, 113 मंदिर, 84 वाटर टैंक है। तो इस पूरे फोर्ट को कंप्लीट विजिट करने के लिए 4 दिन का समय लगता है। कुछ देखने लायक जो चीज़ है उसको अपन 2 से 2.5 घंटे के अंदर में देखते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट के पास समय कम होता है तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। अभी आप जो ये 7 गेट क्रॉस करके किले के ऊपर आए थे ना, ये किले का बैक साइड था। फ्रंट साइड आपको आगे देखने को मिलेगा, जिसको सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिटी व्यू पॉइंट के बाद हम पहुंच जाते हैं कुंभा पैलेस। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में इस तरीके से बहुत सारे पैलेसेस, मंदिर और मॉन्यूमेंट्स हैं, जिन्हें घूमने के लिए आपको डेफिनेटली कार या ऑटो की जरूरत पड़ने वाली है, और उसके बाद भी बहुत सारा आपको पैदल चलना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में टोटल 7 महल हैं। अभी हम लोग कुंभा महल में खड़े हैं। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, शक्ति, भक्ति और तीसरा मैं भूल गई, बलिदान। एक्चुअली ये जो पूरा फोर्ट है वो 3 चीज़ के ऊपर में फेमस है, शक्ति, भक्ति और बलिदान। शक्ति के अंदर थे महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर थी मीराबाई और बलिदान के अंदर थी पन्नादाई। भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो बाकी के भाई, कज़न, चचेरे भाई, ये लोग क्या करेंगे। ऐसे में ना बहुत बार रंजिश हो जाती थी कि यार ये जो राजा का बेटा है इसको मार देते हैं तो फिर नेक्स्ट अपना नंबर आ जाएगा। और ऐसे ही कुछ हुआ था यहाँ पर। जो उदय सिंह जी हैं, उनको जब छोटे से ही थे, बच्चे थे वो, तब उनको मारने का प्लान बनाया गया। ऐसे में यहाँ पे पन्नादाई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को उदय सिंह जी की जगह पर रख दिया और उदय सिंह जी को बचा लिया। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे को मार दिया गया, इस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया। और जो उदय सिंह जी है उनको बचा करके ले गए कुंभलगढ़ फोर्ट। अगर एक माँ अपने बच्चे का बलिदान नहीं करती तो ना ही उदय सिंह बचते, उदय सिंह नहीं होते तो शूरवीर महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते। अगर उदय सिंह नहीं होते तो जिलों की नगरी उदयपुर सिटी जो है वो आज आपको देखने को नहीं मिलती। उसी के बाद में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के किले के अंदर। महाराणा प्रताप जब बड़े होकर इस किले को देखने के लिए आए थे, उस समय इस किले के ऊपर में मुगलों का राज था। महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक मैं मुगलों को मार पीट के भगा नहीं देता, तब तक मैं किसी भी किले के ऊपर मैं चढ़ूंगा नहीं, राजपाट सबको त्याग करूंगा, जंगल के अंदर रहूंगा, घास की रोटी खाऊंगा।
महाराणा प्रताप के पास सेना कम होने की वजह से महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो चुके थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। महाराणा प्रताप की जान बचा के भाग रहा था। चेतक ने 22 फीट का नाला क्रॉस किया था जंप करके और अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। अपने स्वामी की तो जान बचा दी थी लेकिन अपनी जान गंवा बैठा था। और उसी के बाद महाराणा प्रताप ने चेतक की वहाँ पर समाधि बनाई थी और पुनः युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए अपने दूसरे घोड़े बादल के साथ में। चेतक की याद में इतने क्रोध में थे कि अकबर का जो सेनापति था ना बहलोल खान, जिसको घोड़े समेत काट दिया था, एक तलवार का झटका मारा था नीचे समेत घोड़े के पूरे को काट दिया था। इसीलिए महाराणा प्रताप को शक्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉप कुंभ श्याम टेम्पल। 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार होता है ना वरा अवतार, उनको समर्पित करते हुए बनाया गया था। 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान ने इस मंदिर को डैमेज कर दिया था। और हिंदू संस्कृति के अंदर में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। 14th सेंचुरी के अंदर में महाराणा कुंभा ने अंदर जो डैमेज मूर्ति था उसको हटाकर राधा कृष्ण और बलराम का मूर्ति लगाया था। उसी के बाद में इस मंदिर को नाम दे दिया गया था कुंभ श्याम। राणा कुंभा का कुंभ और श्री कृष्ण का श्याम कुंभ श्याम। और इस टेम्पल की खास बात यह है कि जो इसका आगे का आर्किटेक्चर है ये वाला, वो मैच करता है सोमनाथ मंदिर से जो कि गुजरात में है। पीछे वाला वो जो हिस्सा है वो जगन्नाथपुरी जी के टेम्पल से मैच करता है। और ये बीच में कलर जैसे जो बने हुए हैं वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मैच करते हैं। तो तीन मंदिर के आर्किटेक्चर को मिला करके ये वाला मंदिर बनाया गया है। और इस टेम्पल के बगल में ही वो है मीरा जी का मंदिर। मीराबाई की मार्बल की मूर्ति लगी हुई है श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए। पुराने टाइम पर सत्य पर्दा चलती थी तो मीराबाई ने सती के लिए इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पति तो श्री कृष्ण है, मैं सती नहीं होंगी बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति पूजा पाठ वगैरह करूंगी। तो इसी मंदिर के अंदर में मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अब आपको यहाँ से दोनों मंदिरों के दर्शन करने, फिर अपन गाड़ी के अंदर बैठ के चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट टावर ऑफ विक्ट्री। दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ट बहुत बड़ा है, दूसरा गर्मी उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है। और हम आ गए हैं हमारे अगले स्टॉप विजय स्तंभ। मालवा के प्रति महबूब खिलजी, गुजरात के प्रति अहमद शाह, इन दोनों ने मिलकर चित्तौड़गढ़ के ऊपर में अटैक किया था। यहाँ के जो राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने उस अटैक को रोका, उस अटैक के ऊपर में विजय हासिल की। तो इसी खुशी में यह स्तंभ बनाया गया था जिसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि भगवान शिव का जो डमरू होता है उसी के आकार का बना हुआ है, नीचे से मोटा, बीच में से पतला, ऊपर से वापस से मोटा। 122 फीट लंबा टावर है जिसको टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस साइड देखेंगे आप, उधर एक गेट है जिसको उत्तरी जौहरी द्वार के नाम से जाना जाता है। इस साइड एक और गेट है जिसको पूर्वी जौहरी द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक रानी थी रानी पद्मिनी, जो कि इतनी सुंदर थी कि विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो पानी पिया करती थी तो गले के अंदर में दिखता था, पान खाती थी तो मुंह पूरा लाल हो जाता था। उनकी सुंदरता का दीवाना था अलाउद्दीन खिलजी, तो वो चित्तौड़गढ़ के ऊपर में अटैक करता है। तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना के मार दिया था। इसीलिए रानी पद्मिनी ने अपनी आन बान शान को बचाने के लिए 26 अगस्त 1303 16,000 माताओं बहनों के साथ में जिंदाग में जोहर किया था। वो पूरा खुला मैदान यही था जिसको पैक करके गार्डन की खूबसूरती दे दी गई। क्योंकि यहाँ पर एक मूवी भी बनाई गई थी, पद्मावत मूवी। एक तो संजय लीला बंसाली अपनी मूवी की शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आया था। मूवी के अंदर में बहुत सारे गैर सीन दिखाए गए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ की जो राजपूत लेडी हुआ करती थी ना, वो किसी गैर मर्द के सामने बिना घूंघट के नहीं जाती थी। मूवी के अंदर में ऐसा सब बताया, बहुत सारे विरोध मतलब किए थे मूवी का। करणी सेना, राजपूत लोग, इन सभी ने संजय लीला बंसाली को यहाँ से मार पीट के भगाया था। फिर उन्होंने अपनी मूवी की शूटिंग की थी बॉम्बे के अंदर सेट बना के, और वो जो मूवी वो हमारे यहाँ राजस्थान में बैन है। सामने से जो लेक दिख रहा है ना, इसको गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में तो मेन व्यू यही आता है, ये लेक है, ये टेंपल है, इसके पीछे टावर वगैरह। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर किला है, मतलब गजब मचा रखा है। पता नहीं कैसे बनाया होगा, सब कुछ है यहाँ पे, इतने मंदिर, इतने महल, अलग अलग जगह पर तालाब, अंदर से सुरंगें जा रही हैं, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखा है तीरों के लिए, तेल के लिए, मतलब सब है। इसमें से मारते होंगे यहाँ से डिश क्या हो। तीर थे, डिश क्या हो नहीं करते थे, वो फुचुक करते थे, फुचुक। और इसमें डाला जाता है गर्मा गर्म तेल, गर्म तेल, गर्म पानी यहाँ से डालता। यार सोचो कोई चढ़ रहा हो उसके ऊपर गर्मा गर्म तेल आ जाए। दोस्तों ये फोर्ट वाकई बहुत बड़ा है और यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है।
निकलते ही हमें दिखाई देते हैं समाधीश्वर महादेव मंदिर, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों की एक साथ में मूर्ति है। और उसके बाद हम यहाँ से निकलकर पहुँच जाते हैं महारानी पद्मिनी का महल देखने। दोस्तों अब हम आ गए हैं पद्मिनी पैलेस। ये सामने से छोटा सा जो पैलेस देख रहे हैं, ये रानी पद्मिनी का मैन महल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रानी पद्मिनी जो थी उनको गर्मी सहन नहीं हुआ करती थी, गर्मियों के चार महीने यहाँ पर रहा करती थी। उस टाइम पे चारों तरफ पानी भरा रहा करता था, अभी गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पूरा पानी सूख चुका है। दोस्तों चित्तौड़ का किला पूरी घाटी पर फैला हुआ है, जिसमें कभी राजा और प्रजा एक साथ रहा करते थे। पत्थर की एक मोटी दीवार इस किले को अभेद बनाती थी। यहाँ बहुत से महल और मंदिर हैं जो अब भले ही खंडर हो चुके हैं, पर सोचो कभी इन सभी में रौनक रहा करती होगी। इसी के साथ हम हमारे गाइड किशन जी को करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब समय हो चला था राजस्थानी दाल बाटियों का। बर्बरीक रेस्टोरेंट। बर्बरी के बारबरे गई है बर्बरी। हाय, ये गर्मी, ये एसी चल नहीं रहा, कब चलेगा? ठीक है, ये भीम के जो बेटे हैं घटोरगज, घटोरगज के बेटे हैं बर्बरी, उन्हीं के नाम से इस रेस्टोरेंट का नाम रखा है। तो दोस्तों हमारी राजस्थानी स्पेशल थाली आ चुकी है मेरी। इसमें है गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी, मिर्ची का अचार, कड़ी, लड्डू चूरमा और राइस, छाछ है, मक्के और बाजरे की रोटी है, फिर नींबू प्याज होते नहीं है। इतनी बढ़िया देसी लहसुन की चटनी है, लहसुन और लाल मिर्च को बांट के बनाई हुई चटनी। बांटना मतलब पीसने को बांटना कहते हैं। बता लिया हमने बेटे, डैम तो आप रिफिल ले सकते हो। चित्तौड़गढ़ में कई युद्ध लड़े हैं, उनमें से एक युद्ध ये भी है, अपने पेट का अपनी जीभ के साथ। थोड़ा डीप है मतलब मीनिंग इसका ना। क्या गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। जितनी देर में हम खाना खा रहे थे उतनी देर में कार का जौहर हो गया। तो गाइस हम लोग अपने रूम वापस आ चुके हैं, इतना सारा खाना खा रखा है कि अब थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर शाम को घूमेंगे चित्तौड़गढ़ में, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों शाम हो गई है, सोकर के उठ गए। ये देखो ये किले की दीवार है और हमारा जो होटल है वहाँ पर है सामने। तो हम एक्चुअली फोर्ट के अंदर ही रुके हुए हैं, यहाँ पर कुछ होटल्स हैं आपको मिल जाएंगे। और मौसम देखो बारिश वाला हो गया। हम सुबह नहीं बात कर रहे थे कि यहाँ पर घूमने का बेस्ट टाइम तो बारिश में ही होता है, तो पता नहीं कैसे मई के महीने में इतने बढ़िया बादल हो रहे हैं, काली घटाएं हो रही है। तो एक बार फिर से चलते हैं फोर्ट घूम के आते हैं। दोस्तों देखो अचानक से बारिश का माहौल हो गया, मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए। सुबह कहा यहाँ पे हम भरी दोपहरी में झुलस रहे थे, परेशान हो रहे थे, अचानक से कहीं ना कहीं बारिश भी हो गई, उसकी खुशबू आने लगी है, मिट्टी गीली हो जाती है उसकी। अब हो गया ठंडी हवा, काली घटा आ ही गई झूम के। और ये है कीर्ति स्तंभ। हम फिर से आ गए फोर्ट में, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। और यहाँ पर देखो हमारे गाइड बता रहे थे कि जितने पेड़ पौधे ना मोस्टली सीताफल के हैं, तो अब बारिश के दिनों में आपको सीताफल मिलेंगे। अभी तो सूखे हुए सीताफल यहाँ पे लटके हुए हैं। वहाँ पर हमें यहाँ से विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है, इधर वो टेंपल्स हैं, यहाँ पर म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में तो मोस्टली कुछ है नहीं अभी, क्योंकि सारा का सारा म्यूज़ियम के अंदर जो माल था वो उदयपुर के म्यूज़ियम में पहुँच चुका है। और ये है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ और ये जैन टेंपल। आओ वो दोस्तों घूमते हैं। ये जैन टेंपल बाहर से, यहाँ पे भी काफ़ी नक्काशी की हुई है। गाइज एक बार इमेजिन करके देखो, आप यहाँ के राजा हो और आपके ऊपर किसी ने धावा बोल दिया है जो उस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है, और ये सामने जितनी भी जगह दिख रही है ना पूरी की पूरी रणभूमि है, और कल आपको उठ के वहाँ जाना है और उस मैदान में युद्ध करना है।
दोस्तों हम आ गए हैं कीर्ति स्तंभ पे। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, अभी तो दरवाज़ा बंद है, और यहाँ से इधर दिखाई देता है वो जैन टेंपल, और सामने उधर चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नज़ारा। दोस्तों अगर चार दीवारी के हिसाब से देखा जाए तो कुंभलगढ़ का फोर्ट सबसे बड़ा है, लेकिन अगर जो बिल्टअप एरिया है, कितना फोर्ट बना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट सबसे बड़ा है। लेकिन अधिकतर ना ऐसे ही खंडर हो चुका है, जैसे अभी हम पता नहीं कौन से पुराने रूम की दीवारों पर खड़े हैं। आप देख सकते हो ये सब कभी रहा होगा कुछ यहाँ, अभी तो दीवारें बची हैं। चित्तौड़गढ़ का इतना बड़ा जो फोर्ट बना है, उसको बनाने के लिए जो पत्थर चाहिए था वो यहीं से खोद के निकालते थे। तो एक तरफ फोर्ट की बिल्डिंग्स बन जाती थी और दूसरी तरफ ऐसे जलाशय बन जाते थे जिसमें पानी भरा हुआ है, बारिश हो रही है अभी, वो भी रिफिल हो जाएगा। आपको नीचे गिराने के लिए। इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, ऐसे फोर्ट में कहीं पे भी घूमने चले जाओ, निकल जाओ। और चलते चलते हम वो कुंड के ऊपर वाली जगह पे। ये तो बहुत ही गहरा है यार। टपकना नहीं। यहाँ से नीचे गिरे तो सीधे नहा धोके निकलोगे, धुलाई होके निकलोगे इस साइड पे। सुबह धूप में आए थे तो कैसा लग रहा था, और अभी शाम को आए हैं तो सडनली ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा सुंदर कोई फोर्ट ही नहीं है। और सुबह तो ऐसे हो रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, वैसे चलो चाय मर गए। दोस्तों चित्तौड़गढ़ से एक घंटे की दूरी पर है श्री सांवलिया सेठ कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, और अभी हम यहाँ पर आ गए। आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ। एक मतलब ऐसा माना जाता है कि लोग जहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के, मान्यता है कि आप रखो तो आपका घर बनता है, तो सांवलिया सेठ से मांगते हैं कि हमारा घर बने। बन गया आपका? ये बेटे का बना है, अभी बिटिया का बना रहे हैं। दिखाएंगे? हाँ, मानुषी हटना, ये बनने वाले, बिना मम्मी के नहीं बनेगा, इसका घर है। सांवलिया सेठ हमारा घर बनवाइए, हमें बहुत जरूरत है, अभी हमारे पास घर नहीं है, हम सड़क पे रह रहे हैं कार में। अगर मैं सबसे ऊंचे वाली पहाड़ी पे सबसे ऊंचा घर बनाऊं तो क्या हमें माउंट एवरेस्ट पे बहुत बड़ा घर मिलेगा? यार यहाँ पे इतने सारे घर बने हुए ना, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा शहर है और उसमें हम दो गॉडज़िला घूम रहे हैं। और ये अपना रेजिडेंशियल रह जाएगा, इधर अपन स्टूडियो बना लेंगे, ये पेंट हाउस है, तो एक बगल में गेस्ट हाउस बनाओ यहाँ पे। अरे यार पल्लवी यार, हम आए हुए श्री सांवलिया सेठ के मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान का ही एक नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हो उनका बहुत बड़ा घर बना हुआ है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप पत्थर रख के अपना घर बना के जाते हो तो भगवान आपका घर बनवा देते हैं। आज हमने सांवलिया सेठ मंदिर की संध्या आरती देखी, और पहली बार मुझे ये फील हुआ कि लोग आरती क्यों करते होंगे। जो एक एनर्जी थी ना, जो साउंड था, स्मेल थी, चीज़ें हो रही थी, इतने सारे लोग थे, सब एक साथ तालियां बजा रहे थे, लोग बीच में नाचने लग गए थे, इट्स सच अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस था। सारा स्ट्रेस पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाता है, इट टेक्स ओवर ऑल ऑफ योर सेंसेस, और उस वक्त योर ओनली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे आना, मिस मत करना। Yeah? Huh?
लेमन सोडा। हम लोग वापस रूम आ गए हैं और दिन में इतना खाया था, अभी खाने की तो और जगह है नहीं, तो अपनी चल रही है छाछ एंड भेलपूरी पार्टी। अरे चीयर्स के बिना पियोगे पेट दर्द करेगा। चीयर्स चीयर्स। पेट तो ऑलरेडी दर्द कर रहा है। और अब हमारा कल चेकआउट है तो अपन मिलेंगे कल। पूरा सामान ये समेटा समेटी, वैसे तो आधी मैं कर चुका हूँ, आधी मैं कर चुका हूँ, हम कर चुके हैं। कल करते हैं चेकआउट, मिलते हैं कल सुबह। बाय। तो भाई अपन ने चेकआउट कर लिया है और अब आज अपने को पहुंचना है। 200 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, पहुंचेंगे सीधा पुष्कर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ध्यान था कि ड्राइव करने में 6 घंटे लगेंगे, लेकिन गूगल मैप तो दिखा रहा है 3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान। हे गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं पुष्कर और हम एक फोर्ट से निकल के देखो दूसरे फोर्ट में घुस गए हैं। जस्ट किडिंग, इस होटल का नाम फोर्ट है। ये हमारा आज का रूम है। ये है हमारी बालकनी, यहाँ पे देखो एक सीट लगी हुई गाइस। मैं इसमें ऐसे बैठ के ऐसे एडिटिंग करूंगा आज। दोस्तों पूरी शाम हम स्विमिंग पूल में कूदते रहे, मतलब कूद कूद के पूरी थकान निकाल ली, मज़ा आ गया। द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप पे अपन आ चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पुष्कर, जिसे हम साथ में घूमेंगे आपके साथ में अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों हम लोग रोपवे में आ गए और इसमें बंदर भी आ जाते हैं। 45,000 में कुछ कुछ होता है। ओह माय गॉड, पवित्र लाफा है एकदम, ऐसा पड़ेगा ना। पोहा पिज्जा पकवान बोलते हैं इसको। देखने में ऊपर से ऐसा लग रहा था छोटा सा एरिया है, दो चार ऊँटी घूम रहे हैं, मजा नहीं आएगा। कड़कड़ाती पीक धूप में यहाँ पे झुलसने का क्या सेंस है बताओ।